तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 पर्यावरण अध्ययन यानी ABS क्लास 3rd-4th हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो बच्चों इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार के आंसर आपको आसानी से मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना लॉस किए हुए। जैसा कि देख रहे हो पहला क्वेश्चन है, सूरज किस दिशा से निकलता है? आपको पता है फर्स्ट में आंसर होगा कापूर्व। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पानी में रहता है? तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा, मछली। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो बच्चों घा ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस। चौथा क्वेश्चन 4, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो घा ऑप्शन राइट श्री रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था बच्चों? तो शाहजहां ने, घा ऑप्शन राइट है। छठा क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, घा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 7 है, निम्न में से किस महापुरुष को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है? तो किसको? महात्मा गांधी को। खा ऑप्शन राइट है। क्लियर है, ये आपके 1-7 आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला 8 क्वेश्चन, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो खा ऑप्शन राइट है, एडीज मच्छर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज़रूरी उपाय क्या है? तो यहाँ पर तीनों राइट है, तो घा ऑप्शन राइट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा, यानी मास्क भी पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, समय समय पर हाथ भी धोना जरूरी है, तो तीनों राइट है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 10, पैदल सड़क पार करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करें, पहले बाएँ फिर दाएँ फिर बाएँ देख कर सड़क पार करें, लाल बत्ती होने पर ही सड़क पार करें, तो तीनों बातें सही है, इसमें भी घा ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 11, मुर्गी से अंडे प्राप्त होता है तो भेड़ से डैश प्राप्त होता है क्या? खा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऊन। ठीक है ना, ऊन। अगला 12, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बच्चों सबको पता है 12 कौन सा हो जाएगा, का मोर। ठीक है ना, मोर राइट है। अगला 13 क्वेश्चन, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो 1098। ठीक है ना, खा ऑप्शन राइट है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, आगे बढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भोजन करने खाने की और कौन सी आदत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बिना हाथ धोए खाना, जल्दी खाना, जंक फूड खाना, उपयुक्त सभी। तीनों घा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक धरोहर दिल्ली में नहीं है? तो दिल्ली में क्या नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो, हवा महल नहीं है, बाकी लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, तीनों में तो घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी ये जो आपका टेस्ट था 15 का कम्प्लीट हुआ। आई होप आपको सारे आंसर डायरेक्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।